एक साथ खड़ी नजर आ रही हैं जहां तक सवाल राष्ट्रीय सियासत का है। देखिए, अगर राष्ट्र मंच की बात करें तो राष्ट्र मंच में एक मूड के कहा जाए, एक विचारधारा के एक खासतौर पे लोग थे जो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के खिलाफ एक ये मंच बना था, जिसमें यशवंत सिन्हा जब बीजेपी छोड़ के गए थे तो उन्होंने ये मंच बनाया था और इस मंच में तमाम पार्टी के लोग जुड़े थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग भी थे, राजनीति से जुड़े भी लोग थे, तमाम सारे लोग थे, जिसमें कांग्रेस के नेता भी थे, कपिल सिब्बल हों, उसके अलावा आप देखिए मनीष तिवारी थे और विवेक तन्खा थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, तो तमाम अलग अलग पार्टियों से जो एक ग्रुप था जो खासतौर पर ये एंटी मोदी एक तरह से कहा जाए ग्रुप था जो काम कर रहा था राष्ट्र मंच के नाम से, वो आज इस बैठक में है और इस बैठक की अध्यक्षता शरद पवार की तरफ से, शरद पवार के घर पर बैठक चल रही है, शरद पवार के घर पर तमाम नेता, उसमें जावेद अख्तर भी पहुंचे हैं और इस बैठक में अभी उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के वो भी पहुंचे हैं, तो तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां शुरू हो गया है। और इस बैठक का अगर मतलब कहा जाए तो यही निकाला जा रहा है कि अभी बंगाल चुनाव में हारने के बाद जो बीजेपी को हराया गया सरकार, उसके बाद से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व को कहीं आगे बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की और उनको 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर की शरद पवार से दो बार मुलाकात होना है, 11 जून को मुलाकात होना और अब कल एक बार उनके घर पर यहाँ आकर दिल्ली में मुलाकात होना और उसके बाद इस बैठक, देखिए राष्ट्र मंच के जो कर्ता धरता है यशवंत सिन्हा, चूंकि वो टीएमसी के उपाध्यक्ष भी हैं, इसलिए इसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी को नेशनल उसमें लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा करने के लिए एक पूरी कवायद चल रही है और इसमें जो अगर कहा जाए तो ये कोऑर्डिनेटर के कन्वेनर की जो भूमिका होगी वो शरद पवार की होगी, शरद पवार को कन्वेनर के तौर पर लाया जा रहा है क्योंकि वो उनकी सभी पार्टियों में उनका दखल है, वो सब लोगों को एक मंच पर ला सकते हैं और इस बात की चर्चा पहले भी थी क्योंकि कांग्रेस के साथ भी उनका अलायंस है, महाअघाड़ी है और उस वक्त भी शिवसेना के नेताओं ने भी कहा था कि उनको सोनिया गांधी की जगह यूपीए का चेयरपर्सन बनाया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं शरद पवार को एक उस रोल में रखा जाएगा जिसमें अडवाणी होते थे बीजेपी में, तब उसके बाद शरद पवार होते थे एनडीए में तो, और सोनिया गांधी होती थी यूपीए में, तो उस तरह से शरद पवार की भूमिका होगी और साथ साथ एक 2024 के पहले भी कई सारे चुनाव हैं, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, अभी आगे और भी गुजरात के चुनाव होंगे, तो इन चुनाव में क्या ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस मीटिंग से किनारा किया है, क्या इसे थर्ड फ्रंट की एक और तैयारी के तौर पर देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया है या कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने किनारा किया, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में इसको बैठक को करनी होती, पूरे विपक्ष को एक साथ रखना होता तो सोनिया गांधी के आमतौर पर सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो बैठक होती है, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे, अगर रीजनल की बात बोले, महाराष्ट्र की बात आती है तो शरद पवार को लोग फोकस करते थे अभी तक, लेकिन शरद पवार नेशनल परस्पेक्टिव में आगे निकल के आ रहे हैं और शरद पवार का आमतौर पर इस रोल में आना चाहते हैं क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर लोग मानते हैं कि शरद पवार को अब पूरे देश में एक, अगर सभी रीजनल पार्टीज को जोड़कर एक मोर्चा खड़ा करना है तो शरद पवार का नाम सबसे सीनियर नेताओं के तौर पर, और उन्होंने साबित भी किया है महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया, तो वैसी स्थिति में इस मीटिंग में कांग्रेस के लोग आ सकते थे क्योंकि राष्ट्र मंच में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसलिए मना किया क्योंकि कांग्रेस का प्रेशर होगा, कांग्रेस के नेतृत्व ने उनको मना किया अगर यहाँ आएंगे, वो वैसे ही नेता थे जो सब G23 वाले नेता थे जिसमें जितिन प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।